pizza. पहले तो गुड मॉर्निंग, आप इतनी सुबह सुबह आए हम लोगों को सुनने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और मैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आप लोग कितने लोग कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पे? सभी लोग, वेरी गुड। चलो अच्छा है, आप अच्छे हाथों में। बस यही कहूँगा कि मेरे लिए बहुत लकी रहा है इस बार का अटेम्प्ट, क्योंकि 23 साल से इस बार 21 साल कम हुई एज, तो मुझे उसका फ़ायदा मिला। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक के साथ मैं अपने दोस्तों के साथ, जो भी सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे बैठे हैं, उनके साथ ट्रेनिंग पे जाऊँगा, उनके साथ इसी बैच में जज का काम करूँगा, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को भी अपलोड करें एक बार के लिए, क्योंकि आप लोग यहाँ बहुत मेहनत करते हैं। सो प्लीज़ गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जहाँ तक तैयारी की बात है, आई थिंक इट हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड अप्रोच। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। आपको कभी कभार डीमोटिवेशन होगा कि कभी कभी लगेगा कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, कभी कभी लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, कभी कभी लगेगा कि भाई फ्रेंड्स का हो गया, मेरा नहीं हुआ। आप भले यहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक अगर एक ही अप्रोच अपनाएं तो बहुत अच्छा होगा। सिंस प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम है, सिर्फ पैटर्न डिफरेंट है। प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, और हिंदी इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेरा स्कोर प्रीलिम्स में अच्छा इसलिए था क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान दिया, इंग्लिश में ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वो है, बट हिंदी थोड़ी सी पढ़ी थी तो हाँ अच्छा स्कोर गया। और लॉ तो ऑब्वियसली सबको पढ़ना ही है, और उसके लिए मुझे लगता है कि पढ़ने के साथ साथ अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकें या कोई प्रैक्टिस बैंक, कोई भी बुक चाहे तो वो उठा लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभार ऐसा होता है कि यू डू नॉट नो द आंसर, बट अगर थोड़ा सा आइडिया लग जाए और चार ऑप्शंस दिख जाए, तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ तो पता लग जाएगा कि हाँ मुझे लगता है कि ये सही ऑप्शन है। और इस बार का जो प्रीलिम्स आया था, आई थिंक उसी अप्रोच की वजह से मेरा अच्छा हुआ। थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे, इस साल का पेपर जो 2019 का था, थोड़े से केस बेस्ड क्वेश्चन थे, माइनर एक्ट जैसे NI एक्ट है उसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन थे, एविडेंस एक्ट में से एक केस बेस्ड क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप अगर आप एनालाइज करें तो आपको पैटर्न पता चलेगा किस डायरेक्शन में आपको प्रिपेयर करना है। और मेरी बात की टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन उसी से जज करते हो, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप दूसरे बच्चों के मुकाबले कितना अच्छा कर रहे हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉम्पिटिशन। आप लिमिटेड सीट्स के लिए अपने आप को फोर्स कर रहे हैं लड़ने के लिए दूसरे से। तो मुझे लगता है कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे या फिर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सर जो बात बताते हैं, जिन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं, उन पर ज़रूर ध्यान दीजिए, और मुझे लगता है इससे प्रीलिम्स अच्छा हो जाएगा। और जहाँ तक मेंस की बात है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको लॉ की नॉलेज कितनी भी हो, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी आप लोगों को, कई लोगों को होगी। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि इस बार लक मेरा साथ दिया और मैंने ये क्लियर किया, बट मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लॉ में मुझसे ज़्यादा नॉलेज है और वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ वो लाइन, वहाँ डिफरेंस वहाँ आता है जहाँ पे प्रैक्टिस आती है। आपका सेंस ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, और जहाँ तक हो सके कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए पेपर। और जो आप आंसर लिखते हैं उसमें, मैंने ये सोचा था कि आई फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, बट जब मैंने पेपर देखा, पेपर इतना लेंदी था कि मैं वो पैटर्न अपना नहीं पाया। और एट द एंड ऑफ द डे मेरा सब यही होता है, भाई पेपर तो कंप्लीट करो, जिस तरह से होता है, और वो फिर कूड़े में चला गया जो भी मैंने सोचा था। सो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ योर आंसर हिट्स द बुल्सएय, जो उसने पूछा है वो लिखो। अगर इंडिजेंट पर्सन के बारे में लिखा हो, इंडिजेंट पर्सन के बारे में लिखो, चाहे ये मत बोलो कि इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपर, इसका चेंज हुआ, ये अमेंडमेंट हुआ, क्यों आया, रीजन लिखने बैठ गए, मेन प्रोविजन पे पहुंचे नहीं जब तक तो वो स्पेस ही खत्म हो गए। या फिर मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्डर राइटिंग एंड जजमेंट राइटिंग। बहुत बड़े क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार, 15 to 20 मार्क्स का वही आ जाता है,
तो आप 100 में से मान लीजिए कि 20% 30% उतना वेटेज होगा ऑर्डर राइटिंग जजमेंट राइटिंग का, तो उस पर खासियत ध्यान दीजिए क्योंकि उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है, ऑर्डर का अलग होता है, जजमेंट का अलग होता है थ्रू आउट। और आपको पता है इट्स ईयर लॉन्ग प्रोसेस। हमारा मई फिल्म्स मार्च में हुआ, इंटरव्यू नवंबर में जाके हुआ और नवंबर में रिजल्ट आया, तो इट्स ऑलमोस्ट एन ईयर। मोटिवेशन बना के रखिएगा, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, भाई वो आपका भला चाहते हैं, जो लोग आपका भला चाहते हैं उन्हीं से बात कीजिएगा, किसी और से मत कीजिएगा। बस यही कहूँगा कि आपको जिस भी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप कहीं भी पढ़ो, चाहे घर पर पढ़ रहे हो, अब सर आपको यहाँ पढ़ा देंगे लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है खुद की तरफ भी, सर की तरफ भी, क्योंकि सर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर। आई गेटिंग माय पॉइंट? आपने फीस दी है, सर पे एहसान नहीं किया, आपने खुद के लिए दी है। अगर सर यहाँ कुछ पढ़ा रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको घर पे जाके बुक से पढ़ें। अगर सर ने एक केस बताया तो आप चार घर पे जाके पढ़ें। अगर सर ने यहाँ पे 149 ITC बताया है कि इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट या तो आप कमीशन कर दो इन दी पर्सुएंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर द पार्टी मस्ट नो दैट द ऑफेंस माइट हैव बीन कमिटेड, तो सर ने एक जजमेंट बताया है, आप घर पे जाके बुक से उठा के चारों पढ़ो, क्योंकि आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसी तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे आपके पास। हमारे पास इस बार मेंस का जो क्रिमिनल का पेपर था बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड था, इट वॉज टोटली अप्लाइड, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इवन इन एविडेंस ऑल्सो जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होते हैं, जो हमारे पास सेक्शन 121 का क्वेश्चन आया था, whether judges or magistrate can be called as a witness in the court, तो वो उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि 164 का स्टेटमेंट किसी मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है CRPC में, और क्या उसे आप विटनेस की तरह बुला सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल परोस देंगे भाई आपको ये आंसर आता है बिल्कुल, आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, और वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सर की बात सुनेंगे। क्लास अगर आप ले रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, सर जो बता रहे हैं एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज दी उससे बहुत बड़ा हेल्प हुआ। इंटरव्यू के टाइम मैंने सर के यहाँ मॉक इंटरव्यूज अटेंड किए, पता चला किस चीज़ में मैं कम हूँ, किस चीज़ में ज़्यादा हूँ, मुझे किस चीज़ पे ध्यान देना है। तो बस ऑन द वे मोटिवेशन बना के रखिए, कंसंट्रेशन बना के रखिए, आई थिंक दैट इज़ द परफेक्ट फॉर्मूला फॉर योर सक्सेस। आई विल बी मोर देन हैप्पी, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी चीज़ पूछनी हो, हम सभी लोग अवेलेबल हैं, आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर को बोल दीजिए, अगर वो इंटरएक्टिव सेशन रखना चाहते हैं तो हम ज़रूर आएंगे, और बहुत खुशी होगी कि आप लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करें, और हम अगर आपको इन सर्विस में देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट में बस यही मैसेज दूंगा कि कीप योर सेल्फ इंगेज्ड, मोटिवेटेड, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जहाँ तक बात सोशल मीडिया की है, मेरे बहुत सारे स्टेटमेंट मिसयूज किए गए, मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करता था, ऐसी बात नहीं, फेसबुक नहीं था बट व्हाट्सएप जरूर इस्तेमाल करता था, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही किया जितना जरूरी था। आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं फेसबुक में, मुझे फेसबुक का इतना आइडिया नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि ऑपरेट कैसे करते हैं फेसबुक, बट सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही कीजिए जितना जरूरी है। आपको कोई लीगल अपडेट चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आए दिन बहुत जजमेंट्स देते हैं, आप कोई वेबसाइट फॉलो करते हैं जहाँ पे लीगल अपडेट्स आती है तो उसे वहीं देखिए, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको क्लियर नहीं कर पाएगा एग्जाम में, वो आपकी कोई हेल्प नहीं आएगा। भाई बॉलीवुड स्टार ने क्या किया, आपको नहीं लिखना एग्जाम में, आपको लिखना है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आई गेट माय पॉइंट? तो भाई किसकी शादी हुई, कौन कहाँ खाना खाने गया, कौन कहाँ मूवी बना रहा है, वो छोड़ दीजिए, आपको छोड़ना पड़ेगा। आप भाई ये अभी छोड़ दोगे बाद में फॉलो कर लेना, जब आपकी सर्विस लगेगी तो आराम से जिस भी सोशल मीडिया स्टार को, जिस भी बॉलीवुड स्टार को फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। बस यही है कि ये एक दो साल जो आपको मेहनत करनी है वो कर लीजिए, और आई होप फॉर द बेस्ट, आई होप कि आप सभी एग्ज़ाम क्लियर करें, और एक दिन यहाँ पे आके जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अटेम्प्ट्स, और कीप मोटिवेटेड।